क्योंकि 6% 7% वोटर टर्नआउट के बल पर जो संसद में चले जाते थे और वहां पर सत्ता पे काबिज थे, आज जाकर जब भारी बहुमत में जनता आकर वोट डालती है तब क्या करती है वो भी देखा जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन विक्रांत, 3 जजमेंट्स थे 5 जजों के बीच में, लेकिन सब कंकरिंग जजमेंट्स थे। जस्टिस कॉल और जस्टिस खन्ना, इनका जजमेंट कहीं वेरी करता है जो बाकी 3 जजों की जजमेंट थी उससे लेकर, या सबने प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के फैसले को सही ठहराया है? देखिए, मोटा मोटा इस मामले में आनंद की 2-3 चीजें थी कि इस कारण से 3 जजमेंट आए कि छोटे छोटे पॉइंट प्रोसेस और बाकी चीजों को लेकर के कुछ एक दूसरे से विचार भिन्न थे। लेकिन जो मोटा जजमेंट था कि 370 सही है या नहीं, राष्ट्रपति ने जो कदम उठाया वो सही है या नहीं, इस पर लगभग एक राय है सभी जजेस की, और आज इसीलिए ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आनंद, मेरे साथ इस समय अश्विनी उपाध्याय है, ये इनका आज परिचय इस लिहाज से भी करवाना जरूरी है कि 2014 में सबसे पहली पिटीशन 370 को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय ने ही दाखिल की थी। अश्विनी जी, 2014 और आज 2023, इस बीच 370 भी चला गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइनल मोहर भी लगा दी। देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है कि जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि भाई 35 खत्म होगा, 370 खत्म होगा, कश्मीर में अलग झंडा खत्म होगा, कश्मीर का अलग संविधान खत्म होगा, कश्मीर का अलग विधान खत्म होगा और देश में वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, वन नेशन वन फ्लैग चलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट वाइज पॉइंट जितने ऑब्जेक्शन थे सबको उन्होंने ओवर रूल किया। 8 क्वेश्चन फ्रेम किए सुप्रीम कोर्ट ने, और सबसे अच्छी बात यह रही कि 5 जजों ने एक मत से फैसला दिया है। हालांकि जजमेंट 3 आए हैं, लेकिन जो 3 जजों ने कहा है उसी को बाकी के 2 जजों ने भी अपने अपने तरीके से उसको सपोर्ट किया है। तो ये 5-0 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 35 जो आया था गलत तरीके से आया था, वो पार्लियामेंट को पास नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया आर्टिकल 370 कोई परमानेंट आर्टिकल नहीं था, वो टेम्परेरी आर्टिकल था, इसलिए केंद्र सरकार उसको हटा सकती थी। जो ऑब्जेक्शन किया गया कि जब वहाँ राष्ट्रपति शासन था उस समय उसको जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो राष्ट्रपति के पास पावर है। एक ऑब्जेक्शन आया था कि जब राष्ट्रपति शासन था वहाँ पे विधानसभा नहीं थी तो फिर बांटा क्यों गया, लद्दाख को अलग क्यों राज्य बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, वो भी उसके पास पावर है। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लिया था उसको अपहेड कर दिया, और जो हम लोग इतने दिन से लड़ रहे थे, 11 याचिकाएँ हम लोगों की थी जो हम लोग आर्टिकल 35 370 के खिलाफ डाले थे, और 12 याचिकाएं आई केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ, तो कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद ये जो फैसला दिया है, मुझे लगता है सरदार पटेल जहां होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर जहां होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हमारे मन की इच्छा को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर एक राय दे के, क्योंकि अगर ये फैसला एक राय का नहीं होता तो इस पे कभी अभी एक नई दलील शुरू हो जाती, अभी तो फिर एक नई दलील होती नहीं। 3 जजों ने ये कहा लेकिन 2 जज ने तो ये कहा है, फिर 2 जजों को अपनी बात अपने पक्ष में लिया जाता। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा अश्विनी जी, क्योंकि 370 और बाकी चीजों को तो कोर्ट ने सही ठहराया ही है, कोर्ट फॉरवर्ड लुकिंग भी डायरेक्शन दिया है। कोर्ट जस्टिस कॉल ने खास तौर पर कहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन एक कमीशन बनाया जाए और उस समय स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स ने जो मानवाधिकार उल्लंघन किए उनकी जाँच की जाए। दूसरा, सूबे में चुनाव को लेकर बहुत वहाँ के लोग भी चाहते हैं, सरकार ने भी हालांकि कहा है कि हम चुनाव जल्द करवाएंगे, अब चुनाव की भी एक तारीख कोर्ट ने मोटा मोटा तय कर दी है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लद्दाख तो कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी रहेगा, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है इसमें 30 सितंबर 2024 जी, देखिए ये वही टॉप कोर्ट है जहां पर अनेकों याचिकाएं दी गई, कश्मीर जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया उन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, लेकिन आज इसी जज के तहत पर बैठकर जस्टिस कॉल ने कहा है कि उनको जस्टिस देने की, न्याय देने की आवश्यकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाए जाने के फैसले पर मुहर लगाई है, तो जम्मू कश्मीर के सियासी हलके में सरगर्मी बढ़ गई है, और इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है, उमर अब्दुल्ला ने विवादास्पद बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है और लोकतंत्र पर विवादास्पद बयान दिया है, उनके शब्दों को सुनिए। उन्होंने लिखा है, आजाद साहब सही में आजाद हैं, वे पार्टी ऑफिस जाने के लिए आजाद हैं, जबकि हम में से कुछ लोग अपने घरों में कैद हैं, गुप्कर रोड पर जाकर हमारी प्रतिक्रिया लेने के लिए मीडिया प्रतिबंधित है, लोकतंत्र की जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने कहा है, या ऐसी तैसी डेमोक्रेसी चल रही है, ऐसे तैसे डेमोक्रेसी चल रही है। ये अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, अब
अंगूर खट्टे हैं अमिताभ ये कहा जाए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब तो खुद सड़क पर खुलेआम चलकर जा रहे थे, कहते क्या दशा आ गई है, दिशा आ गई है कि पैदल चल के जाना पड़ रहा है, उन्हें पैदल चलने से कोई नहीं रोक रहा। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि कोई भी हाउस अरेस्ट में नहीं है। आनंद, जब पैदल चल रहे होते हो ना तभी दिक्कतें सामने आती है कि देश हमारे साथ नहीं है, फला हमारे साथ नहीं है। जब आप गाड़ी में चल रहे होते ना लाल बत्ती की, तब ये सब याद नहीं आता। जब कांग्रेस के साथ सरकार थी तब ये सब याद नहीं आ रहा था, 370 कहाँ है, फला कहाँ है, जनता का क्या होगा, लेकिन अब याद आ रहा है। अब तो उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसी तैसी डेमोक्रेसी लिख दिया है, मतलब खुद भी चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं आनंद। नहीं नहीं, ऐसी तैसी नहीं लिखा उन्होंने, ऐसे तैसे डेमोक्रेसी लिखा है। अरे देखिए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और ऐसे तैसे, ऐसे तैसे डेमोक्रेसी, उस स्पिरिट से लिखी है। लेकिन रिफंड बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि उमर अब्दुल्ला कहीं पर भी जाने से रोका नहीं जा रहा, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि हमें नहीं जाने दिया जा रहा, क्या वो हाउस अरेस्ट में है? देखिए, ये महबूबा मुफ्ती भी कह रही है, उनका भी दावा है, उमर अब्दुल्ला का भी दावा है, लेकिन जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ये कहा कि कोई भी बंद नहीं है, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। अब सच इसी के बीच में है कहीं ना कहीं, लेकिन जहां तक यहां कश्मीर की बात है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाल चौक का एरिया है, बिल्कुल सब कुछ यहां पे नॉर्मल है, और यहां पे हालांकि सुरक्षा तो के आपको हमें तो खुलेआम इन्विटेशन देना चाहिए कि ज्यादा दूर नहीं है लाल चौक। उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, घर से निकले, पैदल निकले या फिर गाड़ी में निकले, ऑटो में निकले, अपने अपने इसमें निकले, बिना बाड़े सिक्योरिटी कॉर्डन के निकले और मीडिया रिफत खड़े हैं, देखिए लाल चौक पे आ जाए, वहाँ बात करें, हमसे खुल के बात करें, हम तो खुल से बात करेंगे। वही यही कहा जा रहा है कि आप आराम से निकलिए, किसी को अपने यहाँ मत बुलाइए, अपने यहाँ क्यों बुला रहे हैं आप, भीड़ वहाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, आप बाहर निकलें, गुपकर से बाहर निकलें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत ही संतुलित होकर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, उनके बोल भी आपको सुना देते हैं। क्या कहा उन्होंने? निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। किस तरह की दौड़ के लिए तैयार हैं अब्दुल्ला साहब? अमिताभ सिन्हा, देखिए अब लंबी दौड़ इनकी वही होगी जो अगर सितंबर 2024 में चुनाव होते हैं, अगर चुनाव में दौड़ते हैं, किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, क्योंकि अब डिलिमिटेशन कमीशन का जो नतीजा आया है आनंद, आप जानते हो कि उस नतीजे के हिसाब से जम्मू में सीटें बढ़ गई हैं, कश्मीर घाटी में सीटें बढ़ गई हैं, घट गई हैं, और लद्दाख को अलग कर दिया गया। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं फिर जम्मू में जो भारी पड़ेगा, अगर बीजेपी भारी पड़ती है तो बीजेपी जो सपना देख रही थी जम्मू कश्मीर का पहला सीएम बीजेपी का होगा, तो उनका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये लंबी लड़ाई इनकी होगी, लेकिन सत्ता में रहकर होगी। घाटी की पॉलिटिक्स में अगर कहा जाए तो ये भी हो सकता है कि नए लोग जो जिन्हें पहले चुनाव में नहीं आने दिया जाता था, जम्मू कश्मीर की आवाम, वहां से रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है, अलग एक सियासी वहां पर चेहरा निकल के आ सकता है। जम्मू में जश्न का माहौल है, फैसले से लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास को रोक पर रखा गया था, और इस 370 के हटने के बाद जो खुशहाली लौटी है वो आगे भी जारी रहने वाली है। सहयोगी कोमल की रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मायूस भी हुए होंगे, जो ये बात करते थे कि धारा 370 के हटने का फैसला गलत तरीके से लिया गया था, लेकिन आज ये जो फैसला ऐतिहासिक आया है, इसके बाद बहुत से जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन वो लोग जो इसके विरोध में थे वो यहाँ पर आज मायूस होते जरूर दिखे होंगे। इस तरीके से यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे लोग आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आज जश्न का माहौल रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, जिसका इंतजार बेसब्री से हर उस जम्मू कश्मीर के निवासी को था जो चाहता था कि जम्मू कश्मीर के हित में फैसला हो, लेकिन आज विरोधियों के मुँह जरूर बंद हुए होंगे।